परिवार के लिए इसने पैदा किया और तमाम काम की कोशिश ने नवाजा। करोड़ों दूर को सलाम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सलाम। मेडिकल फील्ड के ताल्लुक से कुछ बातें मैं पहला क्लियर कर दूँ आपको। मेडिकल फील्ड के ताल्लुक से स्टूडेंट जो रहते हैं आप लोग, उनमें भी गलतफहमी रहती है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी गलतफहमी रहती है। क्या गलतफहमी रहती है वो दो मैं बता रहा हूँ। पहला ये गलतफहमी रहती है कि मेडिकल जो फील्ड है ना जो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली है ना वो उसके लिए, मतलब मेडिकल फील्ड में अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो बहुत पैसा लगता है। अगर आप पैसा है आपके पास तो क्या बन सकते हैं आप मेडिकल में एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। ये गलतफहमी हमारे लिए थी, हर एक में रहती थी तरह जो इस फील्ड से वाबस्ता नहीं था, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, 40-50 लाख रुपये लगता है डॉक्टर बनने के लिए। सबसे पहली गलतफहमी हमेशा हर एक में रहती है, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो। अभी ये हो दूसरा ये गलतफहमी हमारे में लगी हुई थी कि अगर मेडिकल फील्ड में हम जाना चाहते हैं तो जाता है तो या तो बहुत स्कॉलर होएगा कोई, उसको एमबीबीएस की सीट मिलेगी, या तो बहुत अच्छा गुड स्टूडेंट होगा तो मिलेगी। ओवर एवरेज वगैरह के लिए यहाँ पर कोई फील ही नहीं है, मतलब इस तालुक से सिर्फ समझते हैं कि एमबीबीएस और बीडीएस ये मेडिकल फील्ड के अंदर फील्ड है, बाकी कोई फील्ड नहीं है। ये दोनों गलतफहमियां थी जिसको क्लियर करने शामिल है। पहली बात तो मेडिकल फील्ड में सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस कोर्स नहीं होता, मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी जो है ना सब ब्रांचेज है, बहुत सारी। जैसे बता रहा हूँ तुम्हारे को कि पहला क्लिनिकल एक ब्रांच है सब ब्रांचेज के अंदर, उसके कारण नॉन क्लिनिकल है और तीसरी पैरामेडिकल, मतलब मेडिकल फील्ड में तीन सब ब्रांच है, कौन सी? क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल और पैरामेडिकल। पहला हम समझेंगे क्लिनिकल क्या होती है। तो क्लिनिकल जो ब्रांच होती है ना इसमें सारी जो ब्रांच आती है वो डॉक्टरी के लिए आती है, मतलब डॉक्टर जो रहते हैं अभी एमबीबीएस कर बनकर डॉक्टर बना, बीडीएस करके बना, या बीएमएस करके बना, या बीएचएमएस करके बना, या बीएचएमएस करके बना, या पीएनवाईएस करके बना, तो क्या करता है वो कि क्लिनिक खोलता है अपना, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसको क्या कहा गया है? क्लिनिकल फील्ड कहा गया है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी सब ब्रांचेज है क्लिनिकल के अंदर। अब नॉन क्लिनिकल की तरफ आते हैं कि नॉन क्लिनिकल क्यों कहा जाता है, क्या फील्ड होती है। नॉन क्लिनिकल फील्ड को हमने ऐसा डिवाइड किया हुआ है, आजकल नई नई ब्रांचेस आई है बहुत सारी इसी के अंदर मेडिकल फील्ड की, जिसकी डिमांड इंडिया में भी बहुत ज्यादा हो रही है और ओवरसीज, मतलब इवन एब्रॉड के अंदर अगर आप गल्फ कंट्री में जाए तो भी बहुत ज्यादा डिमांड है, और यूरोप में जाओ तो भी बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके अंदर नंबर वन कौन से जो कोर्स है नॉन क्लिनिकल में, वो फिजियोथेरेपी का है। फिजियोथेरेपी आज की तारीख के अंदर नॉन क्लिनिकल में नंबर वन कोर्स है, बहुत ज्यादा डिमांड है। हर फिजियोथेरेपिस्ट करने के बाद अपने आप को डॉक्टर ही कहलाता है। आज तक आपने ऐसा कोई फिजियोथेरेपिस्ट को देखा नहीं रहेगा सीनियर जो डॉक्टर अपने आगे लगाता नहीं रहेगा। ऐसी तरह फिजियोथेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ये और उसके बाद होता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी बीएसएलपी कहते हैं, जो गूंगे बहरे बच्चे जो होते हैं ना उनको सिखाया जाता है लैंग्वेज, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है कोर्सेज की, अच्छी सैलरी मिलती है। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक ऑर्थोडिक्स, मतलब क्या रखना मालूम कि आपसे कोई भी हैंडीकेप जो हो जाता है ना तो हम उसको किसी बाहर चला गया तो उसको हम आर्टिफिशियल हाथ बना के देते हैं, इसके बहुत पैसे लगते हैं, फिंगर चलेगी तो फिंगर बना के देते हैं। हाँ, वो एक कोर्स आता है। तो उसके अंदर कैसा होता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स आता है, नर्सिंग कोर्स इंडिया के अंदर ही अगर आपने कोई गवर्नमेंट कॉलेज से किया है इतनी अच्छी सैलरी है कुछ नहीं कहते, डिमांडिंग कोर्स है बहुत ज्यादा। प्राइवेट कॉलेज से क्या अलग बात है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ गवर्नमेंट की बहुत सारे कॉलेज आराम से एडमिशन मिलते हैं उसमें, और अगर मेन जो जिसको बोलते हैं ब्रदर जिसको बोलते हैं खासकर शिक्षक बोलते हैं उसको और मेन को ब्रदर बोलते हैं, तो यूरोप वगैरह के अंदर नर्सिंग को बहुत ज्यादा मतलब की जरूरत रहती है, और गल्फ कंट्री के अंदर भी आदमियों के लिए नर्सिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स, तो इसको हम क्या कहते हैं नॉन क्लिनिकल कोर्स कहते हैं। इसको करने के बाद आपको या तो हॉस्पिटल एड्रेस करना है या तो कहीं जॉब करना है, अपनी क्लिनिक भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी वाले अपनी क्लिनिक करके बैठे हैं यहाँ से। तीसरा जो कोर्स आता है वो क्या आता है पैरामेडिकल कोर्स। ये पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं पढ़ाई समझ, जिस तरह एक अच्छा हॉस्पिटल चलाने के लिए ना क्या जरूरत रहती है, अच्छे डॉक्टरों की जरूरत होगी ना हॉस्पिटल चलाने के लिए, किसकी जरूरत रहेगी अच्छे डॉक्टरों की, चाहे वो सर्जन हो फिजिशियन हो उनकी जरूरत होगी ना। आप हॉस्पिटल खोलेंगे तो क्या करेंगे, आप सर्जरी करेंगे,
मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उसका ट्रीटमेंट होएगा ना, अच्छा डॉक्टर चाहिए ना, उसी तरह उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। क्या चाहिए? पैरामेडिकल। अगर कितना भी अच्छा डॉक्टर रहे, वहां का पैरामेडिकल स्टाफ जो रहेगा अगर वो अच्छा नहीं रहेगा ना, हॉस्पिटल सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। तो ये पैरामेडिकल स्टाफ जो रहते हैं ना, ये डॉक्टरों की हर जगह हेल्प करते हैं। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, नियर अबाउट 36 कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर नंबर वन जो कोर्स चला गया है वो डीएमएलटी आया हुआ। डीएमएलटी डिप्लोमा हो गया, मगर पैरामेडिकल में तीन टाइप के कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला जो कोर्स होता है वो बैचलर्स का होता है, जिसको हम कहते हैं बैचलर इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या लेबोरेटरी बोले तो वो आपको आप लैब जो भी है ना, जो आप भी डॉक्टर भी हमने गए डॉक्टर के पास, उसने डायग्नोसिस करने के लिए आपको टेस्ट वगैरह लिख के दिया। तो जो बैचलर अपना लेबोरेटरी जो है ना, वो टेस्ट करेगा। क्या करेगा? वो सीबीसी करेगा, ईएसआर करेगा, आपके टेस्ट वगैरह करेगा। ये आप पैराशीलर और पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हो तो आप खुद की लेबोरेटरी खोल सकते हो, क्योंकि पैरामेडिकल एक्ट बन चुका है। 4 इयर्स का कोर्स है, बैचलर्स कोर्स होता है, आपकी खुद की लेबोरेटरी डाल सकते हो। इसी तरह उसमें रेडियोलॉजी का भी कोर्स आता है, वो क्या कर सकता है, रेडियोलॉजी कर सकता है, एक्सरे वगैरह, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिलती है इसके अंदर आसानी से। इसमें तीन टाइप के कोर्स होते हैं, एक तो ग्रेजुएशन का 4 इयर्स का कोर्स होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है 2 इयर्स का, और एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट में जिनको अपनी फैमिली को देखभाल करना है, मतलब ऐसा है कि उनकी फैमिली की हालत अच्छी नहीं है, 12वीं करे, 2 साल का कोर्स किए और पैरों तक अपने खड़े हो गए, जॉब मिल जाता है, अच्छी सैलरी भी मिलना चालू हो जाती है और अपनी खुद का भी और फैमिली की भी हेल्प करना चालू कर दी। ये उन लोगों के लिए, जरूरी नहीं कि हर एक के लिए आएगा। बाकी जो पहले जो बताया मैं क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल कोर्स, ये सारे लोगों के लिए मिलता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हम मोस्ट पॉपुलर कौन कौन सा है और उसमें एडमिशन किस तरीके से मिलता है। आपने सब लोगों ने लास्ट के नीट का एग्जाम दिया था, 300 और कितने लोग आए थे? 300 अबाव आप लोगों का नहीं आया। आप लोगों को उस टाइम प्रेशर होगा तो बोर्ड का भी साथ। आपने सब क्वालिफाई किया हुआ है, सबको 300 में से PCQ के मार्क्स आए थे, अलहमदुल्ला सारे कोर्सेज के लिए आप क्वालिफाई, कौन से कोर्सेज के लिए, MBBS के लिए क्वालिफाई है, BDS के लिए क्वालिफाई है, TMS के लिए क्वालिफाई है, BUMS के लिए क्वालिफाई है, ये सारे कोर्सेज के लिए आप क्वालिफाई है, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। 250 किसी का स्कोर था, 250 भी नहीं था। अच्छा, बाकी मतलब आप लोगों के पास मतलब थोड़ा स्कोर थोड़ा कम आ गया था, बोर्ड की वजह से कम आ गया होगा या कोई दूसरा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, नीट को समझा नहीं रहेगा कि नीट का एग्जाम किस तरीके का होता है, NCERT की कुछ क्या होती है, NCERT को कुछ रिफर नहीं कराएगा, अपनी खामियों को देखा नहीं रहेगा, टेस्ट वगैरह लगाएंगे नहीं, कुछ हुआ आएगा आप लोगों साथ में, जो आप लोगों को इतने ज्यादा स्कोर नहीं आ पाए। अब हम बात करते हैं कि MBBS की, तो पहली बात करता हूँ कि MBBS कोर्स के काम से बात करता हूँ। देखिए होता क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, हर साल इसमें कितने बच्चे अपेयर करते हैं, 15 लाख अपेयर करते हैं, ये तादाद बढ़ती जा रही है। 12 लाख से चालू हुई थी जब पहली मरतबा नीट आया था, 14 लाख, 15 लाख, 15 लाख 72,000 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, 50 लाख 72,000। टोटल सीटें कितनी है पूरी MBBS की? हाँ, अलहमदुल्ला भी 80,000 आप लोगों के रैंक तक हो जाएगी। कितनी? 80,000। आप बताइए पूरी जो 15 लाख बच्चे 15,72,000 बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हुए, उनका एम क्या? पहला चलो सबका एम MBBS। आप बताइए सबने भी अच्छा स्कोर कर लिया, सबको सीट मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास सीटें ही 80,000 है। सबने अच्छा किया तो भी मतलब क्या आएगा कि सबको सीटें नहीं मिलेगी, ये बात को हमको तवज्जा रखना चाहिए, क्योंकि सबको सीट नहीं मिलेगी, अलहमदुल्ला आप लोगों को मिल जाए। मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि डिफिकल्टी लेवल क्या है बेटा अपना, हम जब तक देखो जब तक आप कोई चीज के बारे में उसकी डिफिकल्टी मालूम नहीं पड़ पाएंगे ना, तो उसको मतलब आपको कितनी मेहनत करना उसका अंदाजा कभी नहीं रहेगा। आपको क्या करना है मालूम क्या, कितने बच्चों को पीछे छोड़ना है भला बताइए, कितने बच्चों को, कितने नियर अबाउट 15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है आपने, कितने 15 लाख बच्चों को अपने पीछे छोड़ना है, उनसे आगे मार्क्स लेके आना है। सिंपल है, सिंपल एज इट इज बता रहा हूं आपको। तो आपको कितनी ज्यादा मेहनत करना है भाई, वो 15 लाख बच्चे जितने मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत करना है। आप लोग सेकेंड टाइम दे रहे हो, मैं आपको मतलब यहाँ पे
कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेहनत अगर आपको मालूम पड़ेगा कितनी करना है उतनी मेहनत करेंगे तो अलहमदुल्ला आप क्या हो जाएंगे कामयाबी हासिल करेंगे। सबसे पहला जो कुछ भी एम रहता है उसकी डिफिकल्टी लेवल देखना बहुत जरूरी है, कितना डिफिकल्ट है। जितने समझ आ गया ना आपको कि आपको 15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है, एक कॉमन सेंस की बात है। कैसी बात बता रहा हूँ कि अमरीका के अंदर यहूदियों से पूछा गया कि भाई अमरीका में आज की तारीख के अंदर दुनिया में जो उसकी तादाद कितनी है, कितने परसेंट है पूरी दुनिया के, दुनिया की आबादी बहुत से रेसिस्ट हैं, हाँ ज्यूस कितने हैं उसके अंदर, यहूदी कितने हैं, हाँ 1,40,00,000 कितना 1,40,00,000 6,40,000 आबादी में 1,40,00,000 को भी मायने रखते हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं, हाँ 1% भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ 1,40,00,000। अमेरिका की आबादी बता रहा हूँ कितनी आबादी है, अमेरिका की आबादी है 9 करोड़ की आबादी है पूरे मिला के, उसके अंदर ज्यूस कितने मालूम कर सकते तुम्हारे को 7,00,000 ज्यूस मारे सबसे ज्यादा रहते हैं। किसी ने पूछा कि भाई इतनी बड़ी आबादी है आप सिर्फ 7,00,000 हैं और पूरी जितनी दुनिया की मेजोरिटी में कब्जा किसका है रिसोर्सेज पे, तो ये कैसे आपने किया अमेरिका में आपने कैसा किया, तो उसने क्या सिंपल जवाब दिया आपको करना पड़ेगा। बड़े भाई हमको मालूम था कि हमसे ज्यादा 99% लोग यहाँ पे जाते हैं, मतलब हम 1% है बाकी दूसरे 90% हैं। सिंपल है कि हमको 99% ज्यादा मेहनत करना है उनके मुकाबले में आना है। क्या जवाब दिया उसने कि भाई हमारी तादाद जो है उनके मुकाबले में 99% कम है, तो कितना मेहनत करूंगा, बेस्ट है ना भाई कॉमन सेंस, तो मैं उनके मुकाबले में आ जाऊंगा 99। तो उन्हें वो मेहनत करा और वो आज पीछे छोड़ दिया उनको। तो आपको भी क्या करना है, मेहनत कितनी करना है, 15,00,000 जो बच्चे हैं उतनी मेहनत आपको ज्यादा करना है, जो बच्चे 15,00,000 कर रहे हैं उनसे ज्यादा करना है बराबर। अगर वो दिन में 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 10-12 घंटा पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो बेटा क्या होता है मालूम है, जो आप बेस्ट रिस्ट होती होगी आपकी है ना, हाँ सर आपको सब्जेक्ट वाइज भी होती होगी, चैप्टर वाइज भी होती होगी, आप सब सब्जेक्ट वाइज हम समझे फिर आपकी फिजिक्स की हुई टेस्ट नहीं आती, कितने मार्क्स आते हैं नीट में फिजिक्स के क्वेश्चन के, कितने हाँ आपका हुआ। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, वो नहीं आ रहा है क्यों, वो आपको जीत करके सीखना है कि ये टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन उसको नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं पढ़ा था मैंने, क्या वजह। अगर जो अपनी गलतियों को सीखता है ना वही कामयाब होता है, जो आ गया तो सही है, जो नहीं आया तो लड़ना है अपने आप से, क्यों नहीं आया सर से पूछिए, समझिए वक्त है आपके पास। मैंने देखा हूं ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बच्चा नीट क्रैक करता है, हकीकत बता रहा हूं मैं आप लोगों से, कितने लोग बच्चे ऐसे रहेंगे जो कल को मिसाल बनेंगे, हम खुद बोलेंगे देखो ये फर्स्ट टाइम के लेके आए थे 150 मार्क्स 200 मार्क्स, जरूरी नहीं है कि 150-200 लाने वाला 600 या 550 मार्क्स नहीं ला सकता है। समझना है पैटर्न को, समझना है अपनी गलतियों को, समझना है और उसको सीखने की कोशिश करना है। सिंपल बता रहा हूं आप लोगों को, हमको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। स्मार्ट स्टूडेंट कौन होता है आपको पता रहेगा कि एमसीआई ने अपना सिलेबस डिक्लेयर कर दिया हुआ है, नीट के ब्रोचर के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस है, कोर सिलेबस करके क्या लिखा उसका नाम कोर सिलेबस, जो मेरे ग्रुप के अंदर उसको पहचानते कोई नहीं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप चलता है आप जरूर उसमें ऐड हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आप लोग, उसमें कोर सिलेबस उसने कहा हुआ है, कोर सिलेबस मतलब ये मेन सिलेबस है, इसमें ही से क्वेश्चन आएंगे 95% छोड़ दो, 720 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 95% बोले तो 650 हो गया हमारे पास। अभी आप सोचिए 650 में अगर आप मास्टर होते हैं 95% को 5% छोड़ दो आप जो कोर्स सब्जेक्ट उस पर ध्यान दीजिए, आप सर लोग भी देख लेंगे आपको उसको बराबर बताएंगे कि जो कोर्स सब्जेक्ट हमें ज्यादा मेहनत करना है, एक एक चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर, चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है कि क्या वेटेज है चैप्टर के अंदर, आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है उसके ऊपर मेहनत करना है, उसी पे मेहनत करना है, फोकस करना है, वक्त अब निकल गया हुआ है। नई चीज आप सीख नहीं सकते, याद रखना बात को, नई चीज सीखने का टाइम चला गया है, तो जो चीज आती है जो समझे नहीं उसकी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप,
650 में अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो 550 आराम से ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं, वक्त है आप लोगों के पास अभी तक। दूसरे जो लाते हैं वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, उनके दो हाथ नहीं रहते हैं, दो आंखें नहीं रहती है, बताइए उसको, अल्लाह ने उनको क्या आपसे ज्यादा बनाया है? नहीं ना, सिंपल क्या करते हैं वो, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो नहीं आया आप पीछे से पूछिए अपने की, ये हमें समझ में नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। टेस्ट सीरीज के अंदर आप टेस्ट सीरीज ली जा रही है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसके बारे में पूछिए, उसके बारे में सीखिए, वो कोर सिलेबस आप सब देखिए आप उस कारण से, उसकी कारण पर ज्यादा फोकस कीजिए आप, क्योंकि इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। कैसा है, हमने नवीन चालू की थी, हमारे जब बच्चे जो थे ना, जो भी मतलब IIT हो गया हमेशा हमारा, हम महाराष्ट्र इंडिया के अंदर कितने परसेंट है? हाँ, 16% गवर्नमेंट बोलती है, हम पकड़ो चलो 20% है, ज्यादा से ज्यादा मतलब हम देख पकड़ो कितने परसेंट है, हम 20% हम सुबह इंडिया के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लो, चाहे UPSC का देख लो, IIT का देख लो, मेडिकल का देख लो, इंजीनियरिंग का भी देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट आप CA का देख लो, प्रोफेशनल कोर्सेज से लेकर टॉप मेडिकल कॉलेज से लेकर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर टॉप मैनेजमेंट कॉलेज से लेकर जो IIM करते हैं उसमें मुस्लिम बच्चों का रेशो क्या है, 20% के बराबर है कि जरा रेशो होना तो वही चाहिए थे, हम भी हर जगह 20% होते हो, नहीं होते थे, ये हमको देख के बुरा लगता था, मैं तो इसको ये देख के बुरा लगता था, हर साल देखता था 4-5% मुसलमान गवर्नमेंट कॉलेज, 4-5% कभी ऊपर जाते नहीं थे। आप लोगों ने मेहनत किया, बच्चे मेहनत करना चालू करे, पेरेंट्स मेहनत करना चालू करे, ये रेशो बढ़ गया, आज देखेंगे 10-12% मुसलमान बच्चे रहते हैं हर मेडिकल कॉलेज में, इसमें हर मेडिकल कॉलेज में, तो ये कैसा आया, बच्चे मेहनत करने लगे ना, तो आप लोगों को अपने ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे तो आप किसका फायदा करेंगे, अपना तो करेंगे अपनी पूरी कम्युनिटी का भी फायदा करेंगे, समझे, हिंदुस्तान में हमें रहना है तो हमें एजुकेशनली और फाइनेंशियली बहुत मजबूत होना है खासतौर पर, तो आप लोगों को अपने आप को प्रॉमिस करना है कि नहीं हमको बन के दिखाएंगे, दिखाना है बनकर, मेहनत करना है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। हम बात ये कर रहे थे कि आपको मेहनत कितना करना है, जो 15 लाख बच्चे को बैठने वाले हैं उनसे ज्यादा मेहनत करना है, सिलेबस जो कोर सिलेबस है वो कोर सिलेबस को पूरी तरह समझना है, आसानी से आपको अभी टेलीग्राम अगर ग्रुप ज्वाइन करें तो आप इसे कोर्स कर दिखाना है वो कोर सिलेबस क्या है। उसके बाद फिर क्या मालूम किया मैंने, एक डेटा जमा कर जमा करता था कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज रहेगा, आसानी से मिल जाता है, उसको जमा किया तो भाई ये सब्जेक्ट रहता है, वो सब्जेक्ट में अगर आपको ज्यादा आप नहीं समझ पा रहे हो सब्जेक्ट को तो उसके 4-5 मार्क्स ही आने वाले हैं, उसको छोड़ दो। अब स्मार्ट स्टूडेंट बनना चालू करो, क्या बनो, स्मार्ट भाई, जो नहीं सीख पा रहे, आपने पूरा 2 साल नहीं सीखा वो नहीं सीख पाएंगे, तो कहने के आप समझो, अब जो आ रहे हैं अगर आपको 600 का क्वेश्चन आते हैं, जो कुछ चैप्टर है 600 की उसके वेटेज दिखा रहा है, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ ना, हाँ तो 550 लाओ, तब आ जाए पेपर, तो 500 की गवर्नमेंट की सीट मिलती है, किसकी मिलती है, गवर्नमेंट की सीट मिलती है, बराबर। और खुदाना का स्थान बता रहा तुम्हारे को, खुदाना का स्थान नहीं आया तो भी चांस रहता है, एडमिशन प्रोसेस में इतने सारे लूपहोल रहते हैं, चांसेस एडमिशन मिलने के हमेशा रहते हैं, पहला तो हमें मेहनत करके क्या करना है, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करना है, जो इसका जो कोर सिलेबस है वो देखे आपने, कोर सिलेबस के बाद जो चैप्टर आपने देखे कि भाई चैप्टर में स्किप कर सकते हैं, उसको आ ही नहीं रहा तो उसको स्किप करके काउंट करो, स्किप करने के बाद कितने बच रहे हैं मेरे पास, सारी डिटेल आप कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, कैलकुलेशन का ही खेल है आज की तारीख में, हर चीज कैलकुलेशन से की जाती है, वक्त की भी कितना घंटा आपको पढ़ना है उसका कैलकुलेशन करना है, कितने घंटे मेहनत करना है, ये सारा कैलकुलेट करना है आपने, आपको वो कौन सिलेबस देख लिया जो चैप्टर नहीं आ रहा स्किप कर दो उसको, आपने 2 साल सीख नहीं पाया आप क्या सीख पाएंगे, आप सर लोग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, टेस्ट जो क्वेश्चन नहीं आ रहा पूछिए एक्सप्लेनेशन समझिए, उस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके इंशाल्लाह जरूर आपको हासिल हो जाएगी। अब आप भी आ जाते हैं कि अभी हम जो बताया था मैंने सिनेरियो कि हमारे पास कितनी सीटें 80,000 है, 80,000 के अंदर मोर देन 50% जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट की सीट किसकी है, गवर्नमेंट की सीट है। प्रॉब्लम क्या हो गया अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, प्रॉब्लम ये हो गया कि जो गवर्नमेंट की सीटें हैं ना
उसके अंदर रिजर्वेशन का एक फैक्टर आता है। किसका आगे फैक्टर? रिजर्वेशन का। खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में गवर्नमेंट में सीट किधर है? महाराष्ट्र में। उससे ज्यादा किधर भी नहीं है। सबसे ज्यादा एमपीबीएस की सीटें कर्नाटक में, गवर्नमेंट की सीट किधर? महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में क्या हो गया? रिजर्वेशन का फैक्टर आ गया। आपको क्या करना है बता रहा हूं मैं, उसका फायदा उठाना है। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 2019 में जो भी सेशन किया, ईडब्ल्यूएस कोटा आया था। क्या आया था? ईडब्ल्यूएस कोटा आया था। हमें पहले से मालूम था ये कोटा आने वाला, हमने पहले से बोले ईडब्ल्यूएस बनाओ बनाओ बनाओ। मालूम है कितने बच्चों लोग ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन लिए? 300 सीटें थी। मुस्लिम बच्चे कितने? 100 के ऊपर। 35% कितने? 35% वो बच्चे जो माहौल स्मार्ट थे उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया। ये रिजर्वेशन में आपको आना है। फिजियोथेरेपी की बात करो ना, मैं तो डिमांडिंग कोर्स है। जनरल कैटेगरी 200 मार्क्स वाले को भी नहीं मिला, 440 मार्क्स वाले को मिला। कितना? 40। आप कौन फिजियोथेरेपी करना चाहता था? आपसे यहाँ पे करने जा रहा था, सोचा था किसी ने? जो पहली बार आपको एक चांस देना जरूरी था। 40 मार्क्स वाले को मिला। BAMS MBBS के बाद का कोर्स हो गया है। BDS अभी खत्म हो गया है। MBBS के बाद अगर कोई दूसरा अगर सेकंड लाइन का कोर्स तो क्या है? BAMS। आप लोग कोई जाना सोच रहा था BAMS के बारे में? क्या क्लोज हुआ होगा? कोई भरा था प्रिंटेंस फॉर्म वगैरह? उसके अंदर भी 140 मार्क्स वाले को BAMS का एडमिशन मिला। कितने में? 140। मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ कि आपको तुम्हें इतने कम मार्क्स मिल जाता है, मगर बता रहा हूँ मैं आपको कि मेहनत तो आपको ज्यादा करना है। मगर MBBS की बात कर रहा हूँ मैं, MBBS के अंदर भी EWS कोटे का आपको फायदा उठाना है। तो यहाँ आप लोग जितने भी बैठे हैं, EWS कोटे के बारे में बता दूं कि 8 लाख से कम जिसकी भी फैमिली इनकम है, 8 लाख से कम, उसको क्या सर्टिफिकेट बनाने का है? EWS का सर्टिफिकेट। जो ओबीसी है वो ओबीसी सर्टिफिकेट जरूर बनाओ। हाँ, ये EWS जो सर्टिफिकेट जो बनता है ना, वो स्टेट का भी बनता है और ऑल इंडिया का भी बनता है। कैसा होता है काउंसलिंग जो होती है ना, 15% सीटें होती है वो किससे भरी जाती है? ऑल इंडिया से। और 85% किससे? स्टेट से। तो 15% जो सीटें भरी जाती है ना, उसमें ऑल इंडिया का रहता है। और ऑल इंडिया के अंदर EWS सर्टिफिकेट में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। EWS महाराष्ट्र का बनाने जाएगा तो कितने साल का प्रूफ देने का आपको? कब से देने का? 67 से आपको रहने का, बराबर। तो आप उसको बना सकते हो। अगर नहीं रहते हैं तो आपको क्या करने का? ऑल इंडिया का बना। मगर ये सर्टिफिकेट आप बना लो कि 8 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हमारी इनकम ज्यादा रहती नहीं है, गरीब कम है हमारी। काम नौकरी पेशे में हमारा रेशो बहुत कम है। गवर्नमेंट सर्वर के अंदर जो इसको फॉर्म 15 सबमिट करना, हमारा रेशो बहुत कम है भाई। और वैसे भी अगर आप गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे तो 96% जो है ना